मम्मी का बर्थडे है आज एंड वी हैव अ डे आउट प्लान टुडे. आई डोंट नो कैसे क्या एग्जीक्यूट होने वाला है बिकॉज मम्मी करेंटली इज अ लिटिल बिजी. बिकॉज एक ही मम्मी का प्रॉब्लम है कि काम वाली नहीं आई अभी तक. सो शी इज लाइक नहीं तुम मुझे पहले बताती. बट मैंने कुछ कुछ सोच के रखा था उनके लिए. आई थिंक आई हैव टू कैंसिल ऑल दोज थॉट्स बट लेट्स सी हाउ इट गोज. एनीवेज हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज आकांक्षा. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एट होम सेफ एंड साउंड. मैं अभी ऑल रेडी हूँ. बजे कुछ 11:30 के करीब करेंटली आई एम एक्चुअली ऑल्सो वेटिंग फॉर माई ड्राइवर टू कम. मैंने अभी तक ड्राइविंग क्योंकि सीखी नहीं है और आज मैंने जो जो प्लान करके रखा था तो ओला करने का मतलब नहीं था. तो मैंने ड्राइवर बुला लिया है हु इज गोना टेक आवर कार एंड आई विल हेड टू मम्मीज होम टुडे. आज उनका बर्थडे है तो उन्होंने खुद मुझे पहले 3-4 हफ्ते से बोल के रखा है कि बर्थडे के दिन चुपचाप पहले ही आ जाना ताकि हम लोग कुछ इतना दिन प्लान कर ले. सो मैंने एक्चुअली सोच के रखा था कि आज उनको स्पा लेके जाऊं क्योंकि मैंने 4-5 साल से मैं सोचू कि उनको एक बार मुझे ना उनको स्पा कराना है. मैंने उनको आज तक कभी स्पा नहीं लेके गई हूं. तो मैं सोचा था कि आज वो लेके जाऊं. मम्मी मस्त छोला पूड़ी और रायता वायता बना के रखी है तो बोल रही है तुम पहले आओ और फिर हम लोग देखते हैं आज का दिन क्या करना है. इस बार मम्मी भी अपने बर्थडे के लिए ना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है. कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा. लाइक आई थिंक ये सबको रिलेट कर पाएंगे. ऑल इंडियन मदर्स हैव दिस यू नो अंदरूनी पावर कि उनको उनके हाथ में पैसा आए या ना आए वो फिर भी ना सेविंग्स कहीं ना कहीं से कर ही लेती हैं. इस बार पहला बार है मम्मी इज लाइक हम अपना पैसा अब अपने ऊपर खर्च करेंगे. तो मम्मी ने ना इस बार अपने बर्थडे के लिए पहले ही सब कुछ खरीद लिया. हर दिन मेरे को अपडेट देती थी आज मैंने चप्पल ली, आज मैंने पर्स ली, आज मैंने एक नई घड़ी ली, आज मैंने ये कपड़े खरीद ली, ये वो यो करके सब ले लिया अपने लिए. इट्स बीन 1 आवर आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू कम. बहुत लेट हो गया है. मम्मी को एक पता है क्या काम किया मैंने. आई हैव नॉट विश्ड हर येट. तो उनको ना बहुत चलबली मच रही है. किसने मेरे को हैप्पी बर्थडे भी बोला है अभी तक. तो छोटी का मैसेज आया कि मम्मी ना गुस्सा हो गई है बिकॉज मैं अभी 1:40 हो रहा है मैं अभी घुस रही हूँ. तो मम्मी इज लाइक छोटी का मैसेज आया कि अब तुम ऑफिशियली डिजोन हो चुकी हो घर मत आना. तो अब मेरे को लग रहा है बहुत डांट पड़ने वाली है. अनीता शर्मा कहाँ है? बारह बजे हम विश नहीं किया क्या तुमको बोलते हम सूझ जाएंगे. हाँ हम साथ में थे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हम लोग मना. अरे बाप रे शक्ल कितना सुंदर लग रहा है. हाँ छोटा करा ली. मम्मी तुमको बोले थे इतना छोटा बाल नहीं कराने यार. क्या किया ना फिर वो बोला थोड़ा सा ठीक करते कितने साल की हो गई मम्मी? 54 35 तो तुम नहीं हो. झूठ तो बिल्कुल ना बोलो. 35 के गुटू कोई बोल दे 54 के होने वाले कोई बोल दे. हम बोल रहे हैं 54 के. दूसरा आदमी जो बोलेगा वो है छोटी. 54 बोल दिए. दिखा दो मम्मी कैसी लग रही है. मैं रेडी है एकदम ही नीली परी बन के रखी है. बर्थडे अपना मेरा वाला फोटो डालिए. तो तुम्हें शादी के टाइम पे इतनी सुंदर लग रही थी. अरे अच्छा उस समय जिस समय वो ना रेडी होने का समय था कुछ नहीं मिल रहा है. मतलब यहाँ पे जो क्लिप कोट कहेंगे ना ना कोई क्लिप है ना मेरे पास. और आंटी का कुछ दूसरा खोज रहे थे. मिला कोई दूसरा जो जैसे मिला जैसे तैसे लगा के दुपट्टा कुछ और ले रहे थे. लास्ट मोमेंट बात आ गई ये वहाँ ये लेके जाने वो मतलब हाँ कैसे जो कौन मुझको क्या लगाया और क्या चढ़ाया क्या किया. फिर अल्टीमेटली हम सुंदर लग गए. सुंदर तो तुम लग ही रही थी. Guys, we have just left our home. अभी सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर. श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे बनरगट्टा में. तो सबसे पहले हम सोचे कि हाँ लेट्स गो टू द टेम्पल. उसके बाद कुछ प्लान किया जाएगा. 4:30 बजने आ गए हैं. कहाँ हम 1 बजे पहुँच गए थे. कहाँ हम लोग सुबह से प्लान कर रहे थे. तुम 1 बजे नहीं पहुँचे. मैं 1 बजे 1 बजे 2 बजे तो बिल्कुल नहीं. अब झूठ मत बोलो. 20 minutes later. तो बज रही था. चलो ठीक है 1:30 हो रहा होगा. बस अभी मंदिर से निकलने का सोच ही रहे थे कि बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा नहीं. मम्मी श्याम जी के मंदिर आती है तो छोटी छोटी चिड़िया नहीं आती थी वो छोटी छोटी जो क्या बोलते गौरैया. तो नाना जी से बहुत ज्यादा अटैच है. तो जो छोटी छोटी चिड़िया आती है ना वो बेटा वो हर बार ना इस मंदिर में दिखती थी. तो मम्मी इस बार आई है तो इस बार चिड़िया नहीं दिख रही. एक चिड़िया दिख जाए तो ऐसा लगा कि हाँ नाना जी का ऐसा कुछ. शाम को 4 बजे वापस डोर खुली.
वो जैसे ही खुला, इससे पहले कि कोई उठ के जाता, एक कबूतर आया फुल स्पीड। हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे दरवाजा खुला, वहां से कबूतर भाग के गया एकदम। 53-54 तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अक्षरा की हंसी है ना बैकग्राउंड में। हाँ वही है, वो मुझे मैसे मजाक उड़ाती रहती है, वो हम इग्नोर कर देते हैं। और क्या, देखो जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनको ऐसे 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 झेलने पड़ते हैं, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना पड़ता है। दिल पे नहीं लेना होता है। हाँ, क्यों दिल पे लेंगे, मेरा हम इतने वेल्ले बैठे हैं क्या। अभी हम लोग वेगा सिटी मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे एमी थोड़े से एमी घूम लेंगे, थोड़ा कुछ चेप लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। सबको किया थे मम्मी यहाँ बैठ के, जितने जन ने ना एक जन को कर रहे हैं। देखा ना कैसे लिखी, एक बार दिखा देना ग्रुप देख रहे। थैंक्स सबको चॉकलेट दे रही है, तो पर्सनली सबको सब सबका धन्यवाद। तो सामूहिक होता है, तो सबने अलग अलग लिखा है ना, हम भी सबको लिख ले देते ना, साथ में टॉफी और जो पटाखे वटाखे भेजना, मतलब कोई तो वो लोग भी तो मुझे केक वेक दे रहे। अच्छा, वो लोग भी दे रहे थे क्या? अच्छा अच्छा, तो हम भी दे दी। तब दिखाना तुम लोग अपनी मम्मी पे हंसती हो। रोटी में फोल्ड करके देखी हुई हूँ। क्या बोली? ये रोटी में अंदर में फोल्ड करके घी भी को लगाया। तो मैंने वेज स्टार ऑर्डर किया है टैकोस बेल से, को देख के बोल रही है कि ये रोटी है जिसको लोग समेट के देती हैं बिना घी लगाए। इसमें कुछ डाल देंगे स्टफ कुछ। हाँ, तो नोचना नहीं है हमको, वैसे ही खाना है उसको। इन्हें टैकोस को नहीं बोले, इन्हें वेज स्टार, इन्हें रैप बोले है। मुझे मारवाड़ी आती नहीं, ट्राइंग सो हार्ड। वो टाको होता है, वो ऐसा रोटी होता है जो ऐसे उठा हुआ रहता है, मतलब रोटी बन के, जिसकी रोटी है अभी बन के ऐसे हो जाएगी, और इसके बीच में सब्जियां डाल देंगे, उसी को बोलते हैं टाको। जैसे भरवा रोटी, भरवा पराला, करेला वगैरह, भरवा रोटी। हाँ सही बोली, टैकोस इज भर दिया। मम्मी बना के तो गलत लगता है, रोटी मैदा से के दे दी। क्या किया ना उसमें, बड़ा सा रोटी बनाया, नीचे भरा ऐसे से करके उसको स्टार का वो लुक दे दिया। ओहो कितने सुंदर, कितने सुंदर है यार। कौन सा लोगी बता दो, अबे 850 रुपए का है वे। चल यहाँ से हर चीज देख के ना यहाँ पे ऐसा मन करता है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले। मंकी लोग देख के यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठा। लास्ट टाइम मम्मी को लेके आई हूँ कैरेट लेन। मम्मी को बहुत समय से अपने लिए एक रिंग लेना था, बट शादी के लिए वो बहुत पैसे बचा रही थी, और इनफैक्ट उन्हें कुछ अपने रिंग्स मुझे दे भी दिए थे, तो आई रियली वांटेड टू गिफ्ट समथिंग। थानोस बन रही है यहाँ पे, चार पांच रिंग लगा के अपने पास। एक बार ये ट्राई करो। हैप्पी बर्थडे टू यू करके बोल दो। मम्मी तुम सीधा तो खड़ी रहो। हाँ अभी अभी, हाँ घुटना में दर्द हो रहा है ना, उठ जाओ। अभी गाओ, अरे गजा, हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है? वापस दे दो। दे दो, इसके अंदर अंगूठी है ना। वो निकल, वो तो निकल ही नहीं रही है, मना कर रही है, बोली कि हम नहीं निकलेंगे। थैंक यू। चलो गर्ल्स, वीमेन व्हेन दे गेट समथिंग न्यू। खुजली हो रहा है मम्मी, दूसरे हाथ से भी कुछ ली कर सकती थी। और बहुत तसी गर्मी भी लग रही है। तो जल्दी लगा दो, लग गया। झूठा दो, तुम कोई पाउडर नहीं लगाई हो, तुमको खाली अभी क्या बोले, शो ऑफ लग रहा है। नहीं कैसी बात करते हैं आजकल लोग। हैप्पी बर्थडे। पढ़ना जरा, आंटी ने लिखा, ब्यूटी लिखा, ब्यूटी नहीं लिखा कहीं से। Happy birthday dear mommy, happy birthday to you. हाँ भैया मार रहे हैं। So we are ending our day with
पुचका ब्रिगेड में एक बहुत फेमस पुचका स्टॉल है, हम लोग वहाँ आके अभी खाना खा रहे हैं। आई थिंक दिस इज हाउ वी आर गोना एंड दिस डे। अरे हमको बोल रही थी, मतलब हम लोग जाने से पहले ना, छोटी की मुरादें पूरी हुई, आपको आपसे भी तो मांग रही थी, पुचका मांग रही थी